संस्कृति बचाओ मंच के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखते हुए भक्तों की रोगनाश एवं सभी बाधाओं को दूर करने के लिए संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर 125,000 महामृत्युंजय जप वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। नित्य रुद्राभिषेक किया जाता है और भगवान महामृत्युंजय से यह प्रार्थना की जाती है कि पशुपतिनाथ आप मृत्यु को हरने वाले देवता हैं, इसलिए काल रूपी महामारी से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। वैष्णो धाम आदर्श दुर्गा मंदिर में कोरोना महामारी से मुक्ति हेतु और सभी भक्तों की सुरक्षा की कामना के लिए, रोग द्वेष विपदाओं के हरने के लिए वैदिक ब्राह्मणों द्वारा महामृत्युंजय जाप नित्य किया जा रहा है। कोरोना रूपी महामारी काल का रूप धारण करती जा रही है। हमारे वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर पाठ कर रहे हैं और महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। बात करते हैं शास्त्री जी से, किस उद्देश्य से आप ये जाप आपका चल रहा है? हमारे देश में, भारत में एक कोरोना रूपी महामारी विकराल रूप धारण कर लिया है। इसको शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान महामृत्युंजय जी का जप प्रारंभ हुआ है 125,000, जिससे जन जन स्वस्थ हो जाए और यह महामारी नष्ट हो जाए। ये बिल्कुल प्रलय का रूप धारण कर लिया है। त्राहिमाम चल रहा है। हे भोलेनाथ महामृत्युंजय, इससे हमें बचाइए। महामृत्युंजय जाप का क्या महत्व है? इससे महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु को से भी भगवान महामृत्युंजय बचा लेते। यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक किया गया है और वैदिक ब्राह्मण जो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सभी संस्कृति बचाओ मंच के वैदिक ब्राह्मण है और यह यहाँ लिखा हुआ है, संकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन, और भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान मृत्युंजय मृत्यु को हरने वाले देवता है। भगवान शिव जो है, जब तक कहते हैं महामृत्युंजय का जाप चलता है तब तक मृत्यु या यमराज भक्त के करीब नहीं आ सकता। ऐसी कामना को लेकर वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर माँ वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर यह जाप कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन लगभग 3-3, 4-4 घंटे यह जाप होता है।